देखिए आप लोग हमेशा एक सवाल करते हैं कि नहीं, मैंने तो अपना, मेरा नाम तो उबैदुर्रहमान है, हमने आपको पहले ही बताया। आप लोग अक्सर एक सवाल करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इंडिया का जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पार्लियामेंट से पहले एमपीस चुने जाते हैं और वो एमपी डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और दूसरा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है, जहाँ अमेरिका में होता है, वहाँ प्रेसिडेंट के लिए चुनाव ही होता है, वहाँ पहले से डिसाइड होता है कि प्रेसिडेंट किसको चुना जाएगा। तो हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है जहां पर एमपीज को चुने जाते हैं। तो गलत सवाल क्यों पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। गंभीरता पूर्वक सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने दोस्तों को, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। बस पॉलिटिकल जो है, मैं अपना व्यू कुछ नहीं दे पाऊंगा जो कि इस समय बहुत दूर हूं। और पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप अपना नाम क्या करते हैं। मेरा नाम नजर मोइन सलीम है और पिछले 28 सालों से मैं इंडिया से बाहर हूं और ऑन एंड ऑफ साल में एक बार दो बार आता जाता रहता हूं। तो यहां के बारे में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं हूं पॉलिटिक्स में, और इनफैक्ट पहले था लेकिन फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स आई एम मिलियंस माइल्स अवे। देश को कैसा देखना चाहते हैं? बॉस, इट्स अ रिमेन अ ड्रीम टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बॉस, एंड वी आर नॉट श्योर व्हेन द ड्रीम इज गोना फुलफिल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, we are not sure when the dream is gonna be fulfilled. Dream है भारत हो, अच्छा हो, progress करे, world level पे तो बहुत नाम है, लेकिन now even अगर आप बाकी जगहों पर भी जाके इसका देखें, जो हालात अभी चल रहे हैं इंडिया के, उसका भी बहुत declining situation आ गया है। मतलब when it comes to भारत का जो मर्यादा है या जो मान है वो भी बहुत decline कर गया है। और ये जो पिछले 4.5-5 साल में किया है उतना पहले कभी नहीं किया था। भारत पर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। आज कैग की रिपोर्ट आई है स्वच्छ भारत के, इसमें जो ये सेस लगाते थे स्वच्छ भारत के, इस पे आज कैग की रिपोर्ट आई है कि जो स्वच्छ भारत में इन्होंने जो सेस लगाया, जो आम पब्लिक आम जनता से इन्होंने पैसा वसूला, वो 35,412 करोड़ रुपया किधर गया आज तक पता नहीं चला उस स्वच्छ भारत का। ये आज कैग की रिपोर्ट है दैनिक जागरण। कैसे क्या देखते हैं आप, क्या स्वच्छता के लिए थोड़ा सा भी काम हुआ या नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत तो काम हुआ है अपने पटना में पहले से, इससे थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन कुछ वार्डों में जहां के आपके काउंसलर एक्टिव हैं, अदरवाइज आप इधर से चले जाइए कंकड़बाग या और भी कहीं जाइए, वही गंदगी की स्थिति है, वही रोड पे नाला बह रहा है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप 85% की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 15% के लिए आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, तो क्या 15% को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो देश की सारी समस्या हल हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राम राज आ जाएगा, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, सब एकदम चमचमा जाएगा, अमेरिका के पैरेलल आ जाएगा इंडिया, अगर इस 15% को आप हटा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, इसका मोदी जी गारंटी देते हैं।